जय भीम। आज मैं यहाँ पे आए सब बहने माताएं मेरे नौजवान साथी मेरे भाई मेरे बड़े बुजुर्ग इतनी गर्मी में जो इतनी दूर से आए हैं और इतनी देर से बैठे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ BVF के लोग हमारे नौजवान साथी इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतनी विशाल रैली को ऑर्गेनाइज करा है उसके लिए भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे यहाँ भारत देश में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम समाज को पिछड़े वर्ग को गरीबों को एक करने के लिए समर्पित कर दी तो उनका मैं तहे दिल से सम्मान व नमन करता हूँ। उनके साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में जन्मे श्री काशीराम जी का जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम सबको एक करने में लगा दिया तो उनका भी मैं तहे दिल से सम्मान व नमन करता हूँ। साथ ही इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इनके अधूरे कार्य को पूरा करने वाली वह बहन जी के नाम से लोकप्रिय माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व लोकसभा और राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं और अब BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो उनको मैं पूरे दिल से आदर सम्मान करता हूँ। और आज आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी के आशीर्वाद से BSP शिरोमणि अकाली दल के बने गठबंधन के लिए इनका वे अकाली दल के कमांडर इन चीफ व अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल जी का भी पूरा पूरा आदर सम्मान करता हूँ जिनका यहाँ की जनता के हित व कल्याण के लिए राजनीतिक व सांसदीय जीवन काफी संघर्षशील रहा है। साथ ही हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पदकारीगण जो आज यहाँ मौजूद हैं उन सबका भी मैं तहे दिल से आदर सम्मान करता हूँ। साथियों, मैं आपके बीच में ऐसा कुछ अलग नहीं बोल पाऊंगा जो यहाँ आप लोगों ने पहले नहीं सुना, परंतु इस इलेक्शन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व कांशीराम जी के सिद्धांत को मैं एक बार आप लोगों के बीच में दोबारा रखना चाहूँगा। एकता छोटा सा शब्द है परंतु आज़ादी के बाद से आज तक हम सर्व समाज एक तरीके एक एक राजनीतिक मंच पर साथ खड़े नहीं हो पाए। इसके कई कारण रह चुके हैं, कांग्रेस BJP आज के दिनों आम आदमी पार्टी सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें अलग करने के लिए। आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना होगा। इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को इतिहास से मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु हमें ये याद रखना होगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे। काशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी किस कार्य में लगा दी, हम सबको एक करने के लिए। जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उनका पूरा फायदा उठाने के लिए
एक राजनीतिक मंच बनाने को कहा, परंतु हम उसमें आज तक सफल नहीं हो पाए सिवाय यूपी को छोड़ के। पर आज आप लोगों से मैं ये अपील करने आया हूं कि 2022 के इलेक्शन में जो हमने पिछले 20 साल में नहीं किया, वो हम एकजुट होके अगले 6 महीने में करके दिखाएंगे। श्री काशीराम जी, जिन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया एक पेन का, कि एक पेन हमारी किस्मत लिखता है, इसमें 85% हम सब हैं और 15% वो हैं जो हम पे राज करते हैं। उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप दोहराएंगे मेरे साथ, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वो इस कैप इस पेन की एग्जाम्पल देते थे, परंतु मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पेन लेके आया हूं। इस पेन में अपना इतिहास लिखने की खुद की क्षमता है, इसमें 85% कंट्रोल करता है राजनीतिक मंच, सांसद, जो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज जब यहां से घर लौटें, तो घर में बच्चे बच्चे को पता हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और काशीराम जी ने किस लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। आप लोगों से मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 12 साल का था, श्री काशीराम जी को मैंने पहली बार उनके घर पे देखा था, परंतु उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं उनके कमरे में गया बहन जी के साथ उन्हें मिलने, वो खाना नहीं खा रहे थे कई दिनों से। बहन जी ने बोला, काशीराम जी बहुत दिन हो गए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बाहर के लोगों को, आपके समाज के लोगों को कैसा लगेगा। मैं बहुत छोटा था उस चीज को समझने के लिए, परंतु जब चंडीगढ़ पहुंचा, रास्ते में हमारे कार्यकर्ताओं से मिला, उनकी छोटी बहन से उनके घर पे मिला, तो रात को नींद नहीं आई। हल्का सा दिल टूटता है, हल्का सा दिल टूटता है ये देख के कि जिसने, जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी हम सबको एक करने के लिए लगा दी, आज इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि उनके जीते जी नहीं बट उनके जाने के बाद उनका ये सपना आप पूरा करेंगे। अगर आज उनके भाई बहन, आज उनके साथी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोगों से मैं एक वादा करना चाहता हूँ और आपसे एक बदले में वादा लेना चाहता हूँ। जो उनका सपना था वो अगले 6 महीने में पूरा करना है। इसके लिए हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता आप सबके बीच में अगले 6 महीने तक लगे रहेंगे। मैं भी बहन जी के कहने पे आप लोगों के बीच में रहूँगा और इस मैसेज को आगे बढ़ाता रहूँगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप सब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना है और श्री काशीराम जी का सपना है, वो मेरे कहने पे नहीं, वो यहाँ स्टेज पे बैठे किसी के कहने पे नहीं, अपने दिल से करेंगे। आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ ये चीज़ की कि आप लोग अपने दिल से श्री काशीराम जी का पूरा सपना करेंगे। आप लोगों ने हाथ उठा के थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा दिल खुश कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथी बाकी दिल खुश करने के लिए मुझे नौजवान साथियों से सुनना है, क्या आप पूरा करेंगे सपना श्री काशीराम जी का? अब आप लोग आज घर जाके अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने गांवों में हर किसी को इसके बारे में बताएंगे कि काशीराम जी हम सबको एकजुट करना चाहते थे ताकि हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। जो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकी, जिस चीज़ से हमें रोका गया, उस चीज़ के लिए लड़ सके। एक राजनीतिक मंच जो हमें मिला है उसको मजबूत कर सके। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो हमारे आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं। आप उनकी बात को ज़रा ध्यान से सुने। हमारे सारे गरीब भाई लोग, सारे मजबूर, सारे पीड़ित लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो हम सब के लिए काम करेंगे, किसी को अकेला और पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हम सब के नेता होंगे। श्री आकाश नाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अब इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम।